गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग कुफरी से निकल गए। कुफरी से आगे थोड़ा ठियोग के तरफ जा रहे हैं, आगे मतियाना आएगा। आज सुबह हम लोग अभी निकले हैं कल्पा के लिए। कल्पा पहुंचने के लिए कुछ 6 घंटे है यहाँ पे, यहाँ से। तो सुबह टेम्परेचर 4 डिग्री के करीब था, लेकिन रूम में इतना महसूस नहीं हुआ जितना कल 10 डिग्री को शिवरिंग हो रहा था या तकलीफ हो रही थी, उतनी आज सुबह महसूस नहीं हुई। हमेशा वैसे होता है, जब आप गर्मी से ठंडी में पहुँचते हो तो ये तकलीफ होती ही होती है। बाइक का जो काम करना था, जो क्लच का जो इशू हो गया था, वो सॉल्व हो गया है। वो मैंने थोड़ा सा टाइट किया तो हो गया है। अभी देखते आगे क्या है वो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये बंडाना पहना है, उसके बाद ये -10 का जैकेट है, इसका डेकैथलॉन का वो पहना है, उसके अंदर मेरा राइडिंग टी शर्ट है और हेलमेट तो है ही है। ये सब पहनने के बाद भी थोड़ी सी ठंड लग रही है। नीचे भी मैंने जीन्स और उसके नीचे इनर वार्मर पहन रखा है, काफ़ी ठंड है। एक्चुअली अभी हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे ही नारकंडा क्रॉस करेंगे, नारकंडा क्रॉस करने के बाद इतनी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि रामपुर 600 या शायद 800 मीटर पे है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वापस कल्पा हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे 6 या 7 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। वापस निकालो पहनो, वो सब करने से अच्छा है कि हमने सोचा कि पहन के रखते हैं। रामपुर में इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, क्योंकि रामपुर में भी टेम्परेचर 20 के करीब ही रहेगा। तो चलिए, आप पीछे वैली तो देख ही रहे होंगे, ये पूरी वैली है, पूरे फैली हुई है, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक, दूर दूर तक जहाँ पे भी पहाड़ है बस खड़ी दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब तक एक भी स्नो केप, मतलब स्नो से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नहीं दिखा है। शायद अभी वो कल्पा से ही दिखेंगे, किन्नूर कैलाश या फिर कल्पा में बर्फ लगी है पता नहीं। नारकंडा में बर्फ होती है ऐसा सुना है, अभी तक देख हम लोग तो पता नहीं अभी क्या रहेगा अभी। तो चलिए देखते हैं, खींचते फटाफट नारकंडा तक पहुंच जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज से हमारी ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल चालू। रात में यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री तक चला गया था, अभी सुबह उठ के देखा तो। रूम में इतना ज़्यादा, मतलब रात को तो काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन सुबह उठ के फिर इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो यहाँ पे हम रुके थे, क्या है, ट्रिबो ट्रेन स्नो व्यू रिसोर्ट करके है। रूम्स एवरेज है, मतलब प्राइस के हिसाब से एवरेज रूम्स है, और खाना काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। व्यूज़ तो ठीक है, अच्छे है, वैली के पूरे व्यूज़ है। आप कल के व्लॉग में देख ही लेंगे कि व्यूज़ कैसे हैं। हमें सबसे पहले तो पेट्रोल भरना है। गाड़ी अभी ऑन पी है, लेकिन पता नहीं आगे चल के पेट्रोल भरना पड़ेगा। चलो, कल का था 517, उसको हम 0 पे कर देते हैं। आज 201 किलोमीटर जाना है हमें कल्पा। तो ये है स्नो व्यू रेस्टोरेंट और रिसोर्ट। बस यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, लेकिन सारे महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। हमें आगे ही चले जाना चाहिए था नारकंडा के लिए, लेकिन आपको जैसे पता था कि यहाँ पे इसका थोड़ा इश्यू हो गया था क्लच का, और आज सुबह मैं ठीक करने गया तो वो लूज़ ही नहीं था। पता नहीं अभी आगे जाके वापस लूज होगा, इसलिए स्पैनर सेट टैंक वैक भी रखा है। चलो निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इन्होंने थोड़ा सा, मतलब होटल वालों ने एक हमें फंसाया जैसे ही हो गया, और वो ये था
कि उन्होंने बोला कि डिस्काउंट नहीं है लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो हमने सोचा ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे तो फिर सीधा हम लोग कल्पा ही खींच लेंगे क्योंकि बाद में भूख तो लगती नहीं हमें। लेकिन अभी कितना लगभग 8 बज चुके हैं, उनका रेस्टोरेंट ही नहीं खुला। हमें बोला था 7 बजे रेस्टोरेंट खुल जाएगा, उनका रेस्टोरेंट ही नहीं खुला। हाँ हो, तो एज यूजुअल मैं हेलमेट का स्ट्रैप भूल गया और सामने से इतना बेकार सूरज आँख में जा रहा है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं और स्ट्रैप लगा लेते हैं। सबसे पहले इंटरकॉम। तो अभी ठियोक तक हम थोड़ा सा डाउनहिल करेंगे और जितनी सनलाइट सामने से कैमरा में जा रही है उतनी मेरे आँखों में भी जा रही है। तो अभी 4 डिग्री में तो बाइक ने स्ट्रगल नहीं किया इतना स्टार्ट होने में, इवन सेल्फ स्टार्ट भी हो गई आराम से। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी 7:43 हो रहे हैं और हमारा अराइवल टाइमिंग है कल्पा में 1:15, जो कि बढ़ ही जाएगा बाद में। तो हम लोग का 4 बजे का एक्सपेक्टेड हम लोग ने रखा है क्योंकि क्या है पहाड़ों में ना टाइम कवर नहीं होता, टाइम बढ़ जाता है क्योंकि गूगल अम्मा तो 60, 70, 80 के स्पीड से कैलकुलेट करती है टाइम और पहाड़ों में तो हम इतने स्पीड से जा नहीं सकते। एक्चुअली हम लोग ने प्लान बनाया था नारकंडा जाने का कल शाम को, नारकंडा में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलने वाला था मुझे पता था, लेकिन क्लच का इशू हो गया। तो फिर मैं सोचा क्लच का इशू ठीक कराने में रुक जाऊँगा तो 15-20 मिनट तो गए ही गए उसमें। उसके बाद फिर नारकंडा से खींचने जाऊँगा तो 5:30-6 हो जाएंगे और तब तक ठंड काफ़ी बढ़ने वाली थी। फिर उसके लिए हम लोग को पूरा जैकेट वगैरह सब पहनने लगता तो उसमें और 10-15 मिनट चले जाते तो और लेट हो जाता। तो उससे बेटर 200-400 रुपया थोड़ा ज़्यादा चला गया। ठीक है अभी नारकंडा एक्चुअली इससे ऊपर में है लेकिन हम लोग थोड़ा अभी ठियोक तक नीचे जाएंगे। ठियोक भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा क्योंकि कैसे है दोस्तों कि हम ने जब शुरू किया जयपुर से तो उसका एलिवेशन रहेगा कुछ 100-200 मीटर रहेगा, 100 मीटर मैक्सिमम रहेगा शायद। उसके बाद हम सीधा आगे यहाँ पे कुफरी में जिसका अल्टीट्यूड था 2,300 मीटर कुछ, तो 2,000 मीटर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 100% ऑक्सीजन से शायद यहाँ पे 90% रहेगा। उसके बाद 25-30 डिग्री टेम्परेचर से यहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री पकड़ लो शाम को पहुँचे तब। तो वो फर्स्ट डे ना काफ़ी तकलीफ देता है लेकिन पहले रुक के भी फायदा नहीं है। एक्चुअली क्या था पहले जब स्पीति सर्किट करते थे या स्पीति वाली टूर होता था ना
तो रोड काफ़ी ख़राब थे, तो परफेक्टली मैनेज हो जाता था पूरा सर्किट। मतलब अभी भी होता है परफेक्टली, अभी टाइम कम लगता है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, आप अगर नारकंडा से भी निकल रहे हो तो आप सीधा कल्पा खींच नहीं सकते थे, तो कल्पा पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता था नारकंडा से। फिर तो मोस्टली लोग है ना नारकंडा रुकते नहीं थे। उस टाइम क्या होता था, आप रुकते थे या तो कुफरी, जैसे हम लोग अभी रुके थे, या शिमला, ठीक है। फिर वहाँ से फिर हम लोग रामपुर जाके नीचे रुकते थे। तो उससे क्या हो जाता था, रामपुर कुछ 600 या 700 मीटर पे है, मतलब शिमला से भी नीचे है। तो आप दोपहर तक क्लाइम करते थे नारकंडा के लिए, जो कि 2700 या 800 कुछ मीटर है। उसके बाद आप फिर डाउन हिल करते थे रामपुर के लिए। तो टेम्परेचर के लिए भी आप अक्लमाइज हो जाते थे, और ऑक्सीजन के लिए भी, और अल्टीट्यूड के लिए भी, सब चीज़ के लिए। फिर आप कल्पा जाते थे या चितकुल जाते थे, तो वो सब है ना अक्लमाइजेशन में मैनेज हो जाता था। तो अभी हम कैसे, अभी सीधा कुफरी आ गए, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, अभी सीधा कल्पा जा रहे हैं, तो शायद हमें रात को थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी एक्चुअली जितना डाउन हिल में खींच सकते उतना खींच लेंगे, और फिर होते ही अपना टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अगर 5 घंटे बता रहे हैं ना, तो आपका पहुँचते पहुँचते 6 घंटे हो जाएगा, इवन आप कंटिन्यू गए तो भी बिना रुके बिना थके। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऑयल टॉप अप करना था, लेकिन शाम को हो नहीं पाया। शाम को हम लोग काफ़ी थक गए थे, और ठंड भी लग रही थी, शिवरिंग हो रही थी। और दूसरी बात यह थी कि हमारी जो बाइक थी वो 5th फ्लोर पे थी, और हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। हाँ, यहाँ पे उल्टा रहता है कई कई जगह पे, तो वैसे था, तो उसके वजह से फिर मैंने सोचा आगे चल के कल्पा में हम लोग वैसे भी थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, तो वहाँ पे कर लेता हूँ। दूसरा हमारा प्लान ये है कि शायद कल्पा में हम लोग एक दिन स्टे करेंगे, अगर थोड़ी तकलीफ़ होनी शुरू होगी तो, क्योंकि फिर अक्लमाइजेशन में अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हमें एक्चुअली ठियोग तक खींच लेना चाहिए था कल, एटलीस्ट ठियोग में हम लोग को थोड़े सस्ते होटल मिल जाते। ये होटल एक्चुअली यहाँ के एरिया के हिसाब से सस्ता है, लेकिन अगर आप स्पीति सर्किट कर रहे हो या किया है, तो आपको ये महंगा ही लगेगा एज पर सर्विस। मतलब जो होटल बना है बहुत एकदम कंजेस्टेड है, लाइट्स भी पूरी नहीं थी, तो उस हिसाब से। हाँ, इसको आप सिटीज से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार सस्ता था, लेकिन अगर आप इसको होम स्टेज के वगैरह हिसाब से कंपेयर करोगे, सर ट्रक वाले साइड भी नहीं देते यार। है क्या, और एक बड़ी बात बताऊं, हमें अभी तक स्नो का तुसा टुकड़ा भी नहीं दिखा है, किसी भी पहाड़ पे स्नो नहीं है यहाँ पे। अभी पता नहीं, आगे तो बोला है कि नारकंडा में स्नो रहेगा थोड़ा सा कुछ जगह पे, और
कल्पा में रहेगा थोड़ा सा, और काजा तो थोड़ा सा पूरा स्नो ही है। अभी देखते हैं क्या है कैसे है। बाइकर अभी तक एक भी नहीं मिला, कुछ टूर्स ट्रैवल्स वाले की व्हीकल्स दिखी, बस उतनी है। अभी एक्चुअली आगे ही पता चलेगा कि कोई पर्सनल व्हीकल लेके भी आया है कि नहीं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल वाले तो थोड़ा सा मतलब हाय हेलो तो करते हैं, टूर्स वाले तो काफ़ी कम रहते हैं जो हाय हेलो करेंगे। और राइडर तो कोई दिखा ही नहीं अब तक। ये ऐसे एचपी वाले बोलो, उनको सामने वाले की पड़ी नहीं है, अभी उसको दिख रहा है सामने से गाड़ी आ रही है और टर्निंग भी है। ठीक है, आपको ओवरटेक करने के लिए टर्न सी, क्योंकि यहाँ पे टर्न सी और कुछ है नहीं, लेकिन सामने वाले का भी सोचो ना, मैं बाइक पे हूँ, लोडेड हूँ, थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो गया तो गिर जाऊँगा, लेकिन उनको इस चीज़ की पड़ी नहीं होती, उनको बस अपनी अपनी ही होती है। कुछ अच्छे हेल्पफुल रहते हैं, खास करके जो टूरिस्ट वाले रहते हैं ना, वो काफ़ी बेकार रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले जिनकी खुद की नाम पे होती है सारी सड़कें, वैसे यहाँ पे रहता है। अगर हम लोग विंटर जैकेट नहीं पहनते ना, तो यहाँ पे हम लोग ठंड से मर जाते हैं ऐसे छाव वाली जगह पे। इवन आप समर में भी आओगे ना, मतलब यहाँ पे तो बारिश का टाइम रहता है, तो भी छाव में जाओगे तो ठंडी लगती है। ये ठियोग के मार्केट से अर्लियर मॉर्निंग पहली बार निकल रहा हूँ, पूरा मार्केट खाली है, मस्त एकदम। क्योंकि साइकिल लेके भी हम लोगों ने शिमला से दो बार शुरू किया था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो दोपहर हो चुकी थी। इवन एक बार तो दोपहर के 2 बज के गए थे, और यहाँ से नारकंडा काफ़ी दूर था, मतलब यहाँ से नारकंडा कुछ 33 किलोमीटर है, और साइकिल पे 33 किलोमीटर काफ़ी रहता है, वो भी क्लाइंब, हालत बेकार हो गई थी। ये ऐसे आके बस वाले, अभी उसको सवारियों के लिए आगे निकलना था, तो उसके लिए उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अंधा मोड़ है। अभी ये तो अच्छा था कि हम लोग थोड़े स्लो थे, थोड़े भी फास्ट रहते ना तो हम लोग गिर ही जाते, क्योंकि इतना अर्जेंट ब्रेक नहीं लगता यहाँ पे, हमारी गाड़ी फुल्ली लोडेड है और ब्रेक भी इतना पावरफुल नहीं होता। वो लोग यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग तो ब्रेक कर ब्रेकिंग कर लेंगे, लेकिन ठीक है तुम लोग ब्रेकिंग करोगे, लेकिन हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो है उस पर सफ़ेद कपड़े डालते हैं, और जो रूखे सूखे लग रहे हैं ना, ये सामने ये सूखा सूखा पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला ये एप्पल का पेड़ है, एक मतलब एक पत्ता नहीं उस पर अभी, एप्पल तो छोड़ दो, एक पत्ता भी नहीं है उस पर। तो अभी हम पीछे लॉक के लिए रुके थे, तो उसकी वजह से हमारा जो अराइविंग टाइम है वो 1:27 हो गया, बीच में कुछ 1:14 तक चला गया था। लेकिन मैंने तो सोच के रखा है कि हम लोग को पहुंचने के लिए 3 से 4 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि इवन जो लास्ट कुछ 14-15 किलोमीटर का जो क्लाइंब है कल्पा के लिए, अब जो ये NH5 है वहाँ से, वो काफ़ी स्टीप क्लाइम है, और अब उस 14-15 किलोमीटर में हम लोग कम से कम 1100 या 1200 मीटर क्लाइम कर लेते हैं।
यार बीच बीच में मिट्टी पड़ी है तो वो थोड़ा डर सा लग रहा है गाड़ी स्किट होने का। गिरेंगे तो लगेगा, ठंड में बहुत ज़्यादा भी लगेगा, वो भी टेंशन है। आप जब जून जुलाई वहाँ अगस्त तब जाते हो तो यहाँ पे बारिश ही आपको मिलेगी, यहाँ पे ये इतना खुला आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे बारिश रहेगी, फॉग रहेगा, सब रहेगा, कभी कभी तो वैली भी नहीं दिखेगी आपको। उसके बाद नारकंडा तक वैसे ही क्लाइमेट रहेगा, नारकंडा के बाद फिर खुलना शुरू हो जाएगा, फिर रामपुर तक पूरा खुल जाएगा। अभी देखिए पूरा कुछ बादल वगैरह कुछ नहीं है, आपको दिख रहा होगा तो पूरा ओपन है। मेरे हाथ फ्रीज्ड हो गए, फ्रीज। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड का जो मैंने ऑल सीज़न ग्लोव्स जो लिए वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, मतलब उसमें हैंडल पकड़ने को नहीं होता, पूरा ये हो जाता है हैंडल। तो हैंडल को कंट्रोल करते करते कंधे दुखने लगते हैं। तो इन मोड़ों पे मैंने सोचा कि आज वैसे भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी तो आज ही कंधे क्यों दुखना है, कल दुखाएंगे। अभी यहाँ से नारकंडा पहुँचते पहुँचते तो हमें ठंड में ही रहना है, जैसे नारकंडा से डाउनहिल शुरू करेंगे वैसे धीरे धीरे ठंड कम होती जाएंगी। एक्चुअली मैंने देखा था नापता जाकरी वगैरह जो है वहाँ पे भी टेम्परेचर यही है, मतलब कम ही है, 17-18 डिग्री ऐसा कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा गर्मी लगने वाली है अभी कहीं पे भी। ये अभी हम नीचे उतर रहे हैं और नारकंडा थोड़ा ऊंचाई पे है। वाह ये देखिए ऐसा घना अंधेरा, यहाँ पे ना कभी धूप आती ही नहीं होगी शायद, पता नहीं दोपहर के टाइम पे भी आती होगी कि पता नहीं, कितना अंधेरा यहाँ पे, कितने बड़े बड़े अल्पाइन ट्रीज है। वाह अभी पूरा धूप आ गई, फिर भी ये धूप कितनी धूप लगेगी पता नहीं, कि ये धूप भी छावी लगेगी, क्या बोल रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। शायद ठंडी से हाथ फ्रीज हो गए तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको फूल आना शुरू हो जाता है, एप्पल को, एप्पल ट्री को वैसे ही ढक देते हैं, देखो अभी ढक दिया है, ढकना शुरू कर दिया, कई कई जगह पे ढके हुए हैं, कई कई जगह पे नहीं ढके हुए हैं। ये कौन सा पेड़ है मस्त फूल से भरा हुआ है। शायद मतियाना आ गया, मतियाना भी यहाँ के सेब के लिए फेमस है, मतियाना के सेब। ये मतियाना में काफ़ी बड़ा मार्केट है सेब का, मतलब यहाँ पे क्या होता है जो दूर दूर के गांव है, अब जैसे नीचे रोड जा रहा है वहाँ पे कुछ गांव है, वहाँ से सब सेब आते हैं, तो वहाँ पे तो बड़े बड़े ट्रक जा नहीं सकते, तो वहाँ से छोटे छोटे जो पिकअप वगैरह रहते हैं उसमें ट्रक भर के आते हैं और यहाँ पे फिर वो बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सेब का जो जब सीज़न रहता है तो काफ़ी ट्रैफिक बनी रहती है, क्योंकि ट्रक लगे रहते हैं, छोटे छोटे पिकअप रखे लगे रहते हैं, फिर वो लोग, अगर आप हमारा पिछला व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक थी, सब भरा हुआ था। ये देखिए ये गोडाउन है बड़ा सा, अभी भी यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं। नारकंडा
तो पिछली बार हम सीधा गए थे जहाँ पे हमने स्टे किया था। अभी हमें जाना है नीचे रामपुर के लिए। तो नारकंडा से अभी ये डाउन हिल शुरू हो गई है। ये डाउन हिल जो शुरू होगी वो सीधा कुमारसेन सेंज तक डाउन हिल ही है, कम से कम 40 किलोमीटर की। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रेक पे गाड़ी चलानी है। पहले ये पेट्रोल पंप के बाद सीधा पेट्रोल पंप जो था वो आई थिंक रामपुर में था, लेकिन बीच में काफ़ी पेट्रोल पंप हो गए। नीचे सेंज में भी पेट्रोल पंप है। और फाइनली हमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दर्शन हो गए। बहुत दूर है, पता नहीं आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। मुझे एक्चुअली वही था, ये देखो ये बर्फ है, ब्लैक आइस भी दिख रहे शुरू हो गया। ये ब्लैक आइस है पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ। तो अभी जो ठंड लग रही है, एक 10 किलोमीटर बाद ठंड लगना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर किसी जगह जहाँ पे ओपन वैली होगी ना, वहाँ से आपको दिखाता हूँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ फाइनली। एक्चुअली काफ़ी मतलब मौसम इतना क्लियर नहीं है तो पहाड़ दिखेंगे नहीं। ये देखो जहाँ पे भी छावे ब्लैक आइस है। ये काफ़ी धीरे धीरे पिघलती है, इसमें मिट्टी मिली हुई रहती है तो ये काफ़ी धीरे धीरे पिघलती है। फाइनली हमें स्नो से ढके हुए पहाड़ और रोड के बाजू में आइस मिली गई। अभी आगे पता नहीं क्या होगा। हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, अच्छा था ब्रेकफास्ट, पराठा लिया, टेस्ट वाइज भी अच्छा था, क्वांटिटी वाइज भी अच्छा था। तो वहाँ पे कुछ 45 मिनट्स हमारे चले गए, जो हाथ ठंडे पड़े थे वो भी थोड़े गर्म कर लिए। तो वहाँ पे हमारे लगभग 25 मिनट्स चले गए, सॉरी 45 मिनट्स चले गए। तो अभी हमारा जो अराइवल टाइम है वो 2:30 बजे का हो गया है। तो अभी हम लोग का दिमाग में ये चल रहा है प्लान कि कल्पा में थोड़ा सा अच्छा स्टे देखेंगे जहाँ पे गीज़र और ये सब हो, तो और वहाँ पे 2 दिन स्टे कर लेंगे। क्योंकि आगे जाके अगर कहीं पे भी हमें 2 दिन स्टे करना है तो मतलब 2 दिन स्टे करके आराम हो जाए ऐसा कुछ मिलना का चांसेस कम है। मतलब मिलेगा लेकिन महंगा भी रह सकता है, क्योंकि मोस्टली तो होम स्टेज ही रहेंगे। तो होम स्टेज में 2 दिन रह के भी इतना मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। तो कल्पा में थोड़ा सा आराम करके रिलैक्स होंगे। और दूसरी बात यह है कि कल्पा की हाइट कुछ 3200 मीटर ऐसा समथिंग कुछ है, तो थोड़ा सा हम लोग अक्लमटाइज भी हो जाएंगे। अभी आज हम लोग सीधा मतलब कल रात को हम लोग सीधा 2200 मीटर की हाइट पे रुके थे, लेकिन फिर भी सुबह इतना तकलीफ़ नहीं हुई जैसे कि लास्ट टाइम सीधा नारकंडा आए थे तो तकलीफ़ हो गई थी। ये अभी किंगल है, किंगल में भी एक बड़ा मार्केट है थोड़ा, तो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगा अगर चाहिए तो। गाड़ी एक अभी थोड़े से अगर मेंटेनेंस कराना है तो वो भी हो जाएगा। रोड इस बार काफ़ी ख़राब हो गया है, शायद अभी रोड का काम करेंगे, लेकिन पिछली बार से इस बार तक रोड काफ़ी ख़राब हो गया है। ये क्या कर रहा है, ये कचरा डाल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे सेंज। तो जब आप जेलोरी पास करके जीबी से आते हैं, मतलब जो मंडी से आने वाला रोड है आउट से, तो आप उस रोड से आके इस रोड को मिल जाएंगे फिर आगे जाने के लिए। तो हम लोग का प्लान है कि रिटर्न होते समय हम लोग, क्योंकि हम लोग ये सर्किट तो नहीं कर पाएंगे इस बार, तो वापस आएंगे और जीबी चले जाएंगे।
इधर एक मस्त छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ये हमें उस वक्त नहीं मिला जब हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, उस वक्त जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त बना ही नहीं था। अभी हम लोग पहुँच गए सेंज, यहाँ से जो नीचे से जो रोड जाता है वो जाएगा जलोरी के लिए और हम सीधा निकल जाएंगे। सेंज भी एक मार्केट है, मतलब यहाँ पे आपको गाड़ी के वगैरह स्पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स बहुत मिल जाएंगे, काफ़ी सारे गैरेजेस है। क्योंकि इसमें क्या, यहाँ पे नीचे काफ़ी विलेजेस है और रामपुर आगे कम से कम 30 किलोमीटर पे है और आगे यहाँ पे अभी एक पावर प्लांट का काम भी चल रहा है, तो इस हिसाब से अभी यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स काफ़ी अवेलेबल है, गैरेजेस काफ़ी है। और वो है सतलज, आपको दिख रही होगी। इस बार उसका पानी थोड़ा सा ग्रीनिश है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एकदम साइन कलर का पानी रहेगा, ब्लूइश पानी रहेगा, लेकिन ग्रीनिश है। स्पीति का तो ब्लू ही रहेगा एक्चुअली। अगर आप कभी आएंगे ना तो यहाँ पे किसी एक जगह पे जहाँ पे शांत होगा वहाँ पे रुक जाइए और सतलज को सुनिए, इतना मस्त लगता है ना उसका खिलखिला, तब पानी वो ऐसे आवाज़ करते हुए जाता है ना, बहुत बढ़िया लगता है।